समय पहले की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपनी पति की मौत के बाद अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ पास वाले जंगल में जाकर एक घोंसला बनाकर उसमें रहने लगी। एक दिन उस जंगल में रहने वाला मिट्टू तोता टुनटुनी के पास आता है और उससे कहता है, चिड़िया बहन, आपने तो इस जंगल में अपना घोंसला बना लिया, लेकिन आपके बच्चे तो बहुत छोटे हैं। आपको पता है इस जंगल में बाज का आतंक है। जब भी बाज यहाँ आता है, पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों को उठाकर भाग जाता है। वैसे भी आपका घर तो बहुत कमजोर है, मेरी मानो तो अपना एक मजबूत घर बना लो। तब तक आप लोग कॉमेंट में बताए 38/5 कितने होते हैं। अच्छा किया तोते भैया जो आपने मुझे बता दिया, मैं तो पहले से इस जंगल में नहीं आई हूँ। मुझे यहाँ के बारे में कुछ खास पता नहीं है, मैं अभी से ही अपना मजबूत घर बनाने में लग जाती हूँ। तोता भैया, मैं लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ, जब तक आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना, मैं जल्दी आ जाऊँगी। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया लकड़ियाँ चुनने चली जाती है। बहुत ढूंढने पर उसे कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल जाती है। इतनी लकड़ियाँ तो काफी हैं, इससे मैं अपना मजबूत घर बना लूँगी। अब इसे लेकर घर चलती हूँ, बच्चे भी अकेले हैं, मुझे ज्यादा देर उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया लकड़ियों को उठाने लगी, तभी दुष्कौवा वहाँ आ जाता है। ओए चिड़िया रुक, ये लकड़ियाँ मेरी हैं, मैं इन्हें ले जाऊँगा। भैया आप कौन है? मैंने बड़ी मुश्किल से लकड़ियों को जमा किया है, इन्हें मैं आपको नहीं दे सकती, इससे मैं अपने बच्चों के लिए मजबूत घर बनाऊंगी। अच्छा, तो तू सीधी उंगली से नहीं समझेगी, मुझे अपनी उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ेंगी। वे देख, मेरे पास रामपुरी चाकू है, अगर तूने अभी ये लकड़ियां मुझे नहीं दी तो मैं इसी से तेरा पेट फाड़ डालूंगा। नहीं नहीं भैया, ऐसा मत करना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ले जाओ ये लकड़ियाँ, मैं अपना दूसरा इंतजाम कर लूँगी। अब आई ना लाइन पर, बड़ी आई थी मुझे मना करने वाली, चल हट यहाँ से। कालू को वो सारी लकड़ियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी पासी के एक पेड़ पर बैठ जाती है और रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? अपने बच्चों की रक्षा कैसे करूं? जालिम बाज आज मेरे बच्चों को कहीं उठाकर ले न जाए। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। टुनटुनी के आंसू पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे साधु बाबा पर गिरते हैं। अरे ये चिड़िया क्यों रो रही है? क्या बात है? मुझे इससे पूछना होगा। चिड़िया रानी, ओ चिड़िया, नीचे आओ और अपने रोने का कारण मुझे बताओ। टुनटुनी अपनी सारी बात साधु महाराज को बताती है। साधु महाराज तुरंत अपने कमल का पानी मिट्टी पर गिराते हैं और देखते ही देखते वहाँ एक मिट्टी का घर प्रकट हो जाता है। ये लो चिड़िया रानी, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए ये मजबूत मिट्टी का घर, इसे कोई भी पक्षी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये जादुई मिट्टी का घर है, तुम अपने बच्चों के साथ इस घर में बिना डर के रह सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी, आपने मेरी इतनी बड़ी मुसीबत को दूर कर दिया। फिर बाबा बाज अपनी शक्ति से उस मिट्टी के घर को उसके पेड़ पर भेज देता है। अगली रात दुष्पाज शिकार की तलाश में टुनटुनी के घर के पास आता है। वो टुनटुनी के घर को तोड़ने की कोशिश करता है, तभी उसे जोरदार करंट का झटका लगता है। वो डरकर तुरंत वहाँ से भाग जाता है। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया उस मिट्टी के घर में खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगी। कई दिनों से जंगल में लगातार बारिश हो रही थी। हे भगवान, पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी, पूरे घोंसले में बारिश का पानी टपक रहा है। अरे टूनी जल्दी भाग, कहीं ये घोंसला टूट कर गिर ना जाए। मैं लूसी को लेकर बाहर जा रही हूँ। अपनी माँ की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर टूनी चिड़िया जल्दी से भाग कर घोंसले से बाहर निकल आती है। अचानक तेज आवाज के साथ टुनटुनी का घोंसला टूट कर पेड़ से नीचे गिर जाता है। अब उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर बारिश में इधर उधर भटकने लगती है।
ये कैसी आफत आ गई मेरे ऊपर? इतनी तेज बारिश में मैं अपनी बच्चियों को लेकर कब तक भटकती रहूंगी? कहीं कोई सर छुपाने की जगह मिल जाती तो अच्छा होता। काश तेरे पापा जिंदा होते तो आज हमारा पक्का घर होता, इस तरह हमें दर बदर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। तभी टूनी चिड़िया को दूर एक पेड़ के नीचे बहुत बड़ा गुलाब दिखाई देता है। माँ देखो, उस पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा गुलाब पड़ा हुआ है, चलो चलकर उस गुलाब में छुप जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ उस पेड़ की तरफ जाती है। अरे ये तो गुलाब का फूल लग रहा है, इसमें दरवाजा और खिड़कियाँ भी है। टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी उस गुलाब के अंदर अपनी बेटियों के साथ चली जाती है। अरे टूनी, ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में पहले से कोई रह रहा हो। कोई बात नहीं माँ, चाहे इस घर में कोई भी रहे, अब इस घर को छोड़कर हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। तभी टुनटुनी की छोटी बेटी लूसी भोजन मांगने लगती है। माँ मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। लूसी तू पागल हो गई है क्या? इस बारिश में माँ भोजन लेने कहाँ जाएंगी? चुपचाप सोने की कोशिश कर। टूनी दीदी मुझे नींद आ रही है, भूख से पेट में दर्द हो रहा है, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ दो खाने को। चुप हो जा कंबख्त, मेरा दिमाग मत खा। वैसे भी इस बारिश में जान बचाना मुश्किल हो रहा है, और तुझे खाने की पड़ी है। टूनी इसे थोड़ा पानी पिला दे और फिर तुम दोनों बहनें सो जाओ। टूनी चिड़िया अपनी बहन को पानी पिलाती है और फिर दोनों बहनें सो जाती है। चलो मेरी दोनों बच्चियां तो सो गईं, लेकिन मैं नहीं सो सकती, मुझे रात भर जागकर इनकी रखवाली करनी होगी। इतनी बारिश में कहीं कोई जहरीला जीव जंतु इस घर के अंदर ना आ जाए। रात भर टुनटुनी चिड़िया जागकर अपनी बेटियों की रखवाली करती है। सुबह होने पर टुनटुनी चिड़िया को उस गुलाब में रहने वाले कालू कौवे की आवाज सुनाई देती है। कौन है रे मेरे इस घर के अंदर? जल्दी दरवाजा खोल, मैं बाहर बारिश में भीग रहा हूँ। टुनटुनी चिड़िया दरवाजा खोलती है। ए चिड़िया, ये मेरा घर है, निकल मेरे घर से। नहीं निकलूंगी, जाओ जो करना ही कर लो। जब मैं इस घर में आई तो ये घर खाली पड़ा था। मैं कल भोजन लेने गया था और तेज बारिश होने लगी, इसीलिए मैं नहीं आ पाया। चलो अब जल्दी निकलो यहाँ से। अंकल हम लोगों को यहाँ से मत निकालिए, हम लोग कहाँ जाएंगे? बारिश में हमारा घोंसला टूट गया है। मूर्ख चिड़िया, तुझे एक बार में समझ नहीं आता? मैं बोल रहा हूँ ना, ये मेरा घर है और मैं यहाँ किसी को रहने नहीं दे सकता। कालू भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे और मेरी बेटियों को इस घर से बाहर मत निकालिए। जैसे ही बारिश रुकेगी हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर जाने लगती है। तभी कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारा भाई इतना निर्दयी नहीं है जो तुम लोगों को इस घर से बाहर निकाल दे। अब से हम लोग साथ साथ रहेंगे, ये लो मैं कुछ भोजन लेकर आया हूँ, खुद भी खा लो और बेटियों को भी खिला दो। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को अपनी बहन बना लेता है और फिर सभी उस गुलाब के घर में खुशी खुशी रहने लगते है। हिमाचल के एक छोटे से जंगल में कालू कौवा अपनी माँ सुंदरी कौवी के साथ रहता था। कुछ दिनों पहले उसकी शादी शहर की एक चिड़िया टुनटुनी से होती है। शादी से पहले टुनटुनी चिड़िया ने अपने पति और ससुराल को लेकर कई सपने देखे थे, पर ससुराल आते ही टुनटुनी चिड़िया के सारे सपने बिखर गए। शादी के अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया की सास उसके पास आती है। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, जा जाकर किचन में कुछ मीठा बना ले, तब तक मैं और कालू तैयार होकर आते हैं। टुनटुनी चिड़िया किचन में जाती है। अरे ये क्या, यहाँ तो मिट्टी का चूल्हा है, गैस स्टोव तो है ही नहीं, मुझे तो मिट्टी के चूल्हे पर भोजन बनाना आता ही नहीं। ओ माँ जी, जल्दी यहाँ आइए। क्या हुआ बहू, तूने इतनी जल्दी मीठा बना लिया? नहीं माँ जी, अभी कहाँ कुछ बनाया है। तो फिर चिल्ला क्यों रही हो? वो माँ जी, यहाँ गैस का चूल्हा तो है ही नहीं, मिट्टी का चूल्हा है। तो क्या हुआ बहू, हमारे घर इसी चूल्हे पर भोजन बनता है, तू इसे जला और जल्दी से कुछ मीठा बना ले। लेकिन माँ जी, मुझसे इस मिट्टी के चूल्हे पर कुछ भी नहीं बनने वाला। ऐसा करिए, आप एक गैस का चूल्हा खरीद कर मंगवा दीजिए, फिर मैं उस पर रसगुल्ले बना दूंगी। देखो बहू, ये गांव है, यहाँ सभी के घरों में मिट्टी के चूल्हे पर ही भोजन बनता है, अब मैं तेरे लिए नियम तो नहीं बदल सकती। किसी तरह टुनटुनी चिड़िया मिट्टी के चूल्हे पर रसगुल्ले बनाती है।
ये लीजिए माँ जी, मैंने रसगुल्ले बना लिए, खाकर बताइए ये कैसे बने हैं, फिर मैं कालू जी को भी देकर आऊँ। सुंदरी कौवी रसगुल्ले को खाने लगती है। बहू, रसगुल्ले तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं, लेकिन तूने पहली बार मिट्टी के चूल्हे पर बनाया है ना, इसलिए तुझे परेशानी हुई है। धीरे धीरे टुनटुनी मिट्टी के चूल्हे पर भोजन बनाना सीख जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सुंदरी कौवी मिट्टी से चूल्हे बना रही थी। टुनटुनी बहू, आ मैं तुझे मिट्टी के चूल्हे बनाना सिखाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से मिट्टी के चूल्हे बनाना सीखने लगती है। माँ जी, आप तो मिट्टी के बहुत सुंदर चूल्हे बनाती है। आपको पता है हमारे शहर में मिट्टी के चूल्हे बेचने दूर दूर गांव से पक्षी आते हैं। कुछ ही दिनों में त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है और घर घर में से मिट्टी के चूल्हे पर प्रसाद बनाकर पक्षी अपनी अपनी देवता को चढ़ाते हैं। मैं सोच रही हूँ माँ जी, क्यों ना इस बार हम लोग भी मिट्टी का चूल्हा बनाकर शहर के जंगल में बेचें। वैसे भी पूरा दिन हम घर में खाली बैठे रहते हैं। बहू, तेरी बात में तो दम है। अगर हमें ऊपरी कमाई हो जाती है तो घर चलाने में कालू की भी मदद हो जाएगी। फिर दोनों सास बहू मिलकर मिट्टी के बहुत सारे सुंदर सुंदर चूल्हे बनाती हैं और उन्हें अच्छी तरह से धूप में सुखाकर शहर के जंगल में बेचने के लिए ले जाती हैं। चूल्हे ले लो चूल्हे, मिट्टी के सुंदर टिकाऊ चूल्हे, चूल्हे ले लो चूल्हे। तभी टूनी चिड़िया उनके पास आती है। बहन, एक कितने में दे रही हो? अगर तुम्हारे दाम सही हुए तो मैं तुमसे दो चूल्हे खरीदूंगी। वैसे यहाँ सभी पक्षी 100 रुपए में चूल्हा बेच रहे हैं, लेकिन मैं आपको 100 रुपए में दो चूल्हे दे दूंगी। ठीक है, मुझे दो चूल्हे दे दो। इस तरह टुनटुनी चिड़िया और सुंदरी कौवी के बनाए हुए मिट्टी के चूल्हे कुछ ही घंटों में सारे बिक जाते हैं। देखा माँ जी, हमारे बनाए हुए मिट्टी के चूल्हे सबसे पहले बिक गए। लेकिन बहू, हमने चूल्हे के दाम बहुत कम रखे हैं। कोई बात नहीं माँ जी, जैसे जैसे हमारे ग्राहक बढ़ेंगे वैसे वैसे हम चूल्हे के दाम थोड़े थोड़े बढ़ा देंगे। ये सब तेरी वजह से हुआ है बहू, अब जल्दी घर चल, हमें कल बेचने के लिए मिट्टी के चूल्हे भी बनाने हैं। फिर दोनों सास बहू घर जाती हैं और मिट्टी के चूल्हे बनाने में लग जाती हैं। इस तरह मिट्टी के चूल्हे बेचकर दोनों सास बहू बहुत खुश होती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं। तो ये थी आज की कहानी। आज का सवाल ये है, टुनटुनी अपनी सास को क्या बनाकर खिलाती है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कड़कनाथ सेठ का जंगल में अच्छा कारोबार था। उसके घर में रुपए पैसे धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। कड़कनाथ सेठ आजकल अपने इकलौते बेटे कालू कौवी के लिए एक सुंदर सी चिड़िया ढूंढ रहा था। एक दिन कड़कनाथ सेठ के दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलने पर कड़कनाथ सेठ को एक सुंदर सी चिड़िया दिखाई देती है। हाँ हाँ, कहो बेटा, किससे मिलना है? अंकल जी, क्या आप कुछ देर के लिए मुझे अपने घोंसले में रुकने के लिए जगह दे सकते हैं? एक दुष्टबाज मेरे पीछे पड़ा है। मेरे पिता ने एक बार से कुछ कर्ज ले रखा था। कर्ज चुकाए बिना ही मेरे पिता का देहांत हो गया है। जब से मेरे पिता की मौत हुई है तब से वो बाज मुझ पर शादी करने का दबाव बना रहा है। मैं उस दुष्ट से शादी नहीं करना चाहती हूँ। किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ पर आई हूँ। प्लीज मुझे उस बाज की गंदी नजर से बचा लीजिए। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। सुंदर चिड़िया की आंसू देखकर कड़कनाथ सेठ को उस पर तरस आ जाता है और वो उसको अपने घर में रुकने के लिए जगह दे देता है। अरे बेटी, रो नहीं, तुम इसे अपना ही घर समझो। जब तक तुम्हारे लिए किसी और जगह का इंतजाम नहीं हो जाता, तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। अगले दिन, अंकल जी, आज से दोनों वक्त का खाना और घर की साफ सफाई का सारा काम मैं किया करूँगी। अब आपने मुझे घर में रखा है तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना, मैं भी आपके काम में हाथ बटाऊँ। देखते ही देखते चंद ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया कड़कनाथ और उसके बेटे का दिल जीत लेती है।
अरे जिस बहू की तलाश मैं इतने दिनों से कर रहा था, मुझे लगता है टुनटुनी के रूप में मुझे वो बहू मिल गई है। अगर तुम्हें पसंद हो तो मैं टुनटुनी से तेरी शादी की बात चलाऊं। हाँ पापा, टुनटुनी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। अगर वो शादी करके हमारे घर आ जाएगी तो हमारा घर तो सच में स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा। उसके बाद कालू कौआ और टुनटुनी की शादी की तैयारियाँ शुरू हो जाती है। कड़कनाथ सेठ अपने इकलौते बेटी की शादी के लिए महंगी से महंगी जेवर और 36 पकवान बनवाता है। खूब धूमधाम से शादी का आयोजन होता है, जिसमें जंगल के सभी बड़े बड़े पक्षी महंगी तोपों के साथ शामिल होते हैं। शादी के अगले दिन हरिया काका कड़कनाथ सेठ के घर आता है और जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए बोलता है, अरे कड़कनाथ भाई साहब, उठिए, आखिर कब तक सोते रहेंगे? अरे सुबह से शाम होने आई है, क्या बात है? आज तो आपके घर का दरवाजा ही नहीं खुला। बार बार दरवाजा पीटने पर भी जब दरवाजा नहीं खुलता है तो हरिया काका पड़ोस के पक्षियों को बुला लाते हैं। सभी पक्षी मिलकर दरवाजा तोड़ देते हैं और घर के अंदर दाखिल होते हैं। अरे ये क्या हो गया, भाई साहब का तो पूरा घर खाली हो गया। रात में उनके घर में आए हुए इतने सारे तोहफे सब कहाँ चले गए? और इतना दरवाजा पीटने के बाद भी ये भाई साहब और कालू आखिर जाग क्यों नहीं रहे हैं? और इनकी नई बहू कहाँ चली गई? हाय, कोई पानी डालो इनके ऊपर, पहले इन्हें होश में तो लाओ, बाकी की कहानी तो ये खुद सुनाएंगे। फिर सभी पक्षी कड़कनाथ सेठ और कालू को होश में लाते हैं। अरे क्या बात है भाइयों, आप लोग सब मेरे घर में कैसे जमा हो गए? अरे कुछ बात हुई है क्या? नहीं भाई साहब, बात तो आप बताओ, आखिर हुआ क्या है? आप दोनों बाप बेटे बेहोश क्यों पड़े थे और आपकी बहू कहाँ गई? आपका पूरा घर भी खाली पड़ा है। अपने घर की हालत देखकर और अपनी बहू टुनटुनी को यूं गायब देखकर वो दोनों सारा माजरा समझ जाते हैं और सर पकड़कर रोने लगते हैं। हाय हाय, मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे वो कोई मजबूर चिड़िया नहीं थी, अरे वो तो एक लुटेरी दुल्हन थी जो पूरा प्लान बनाकर आई थी और मेरा सारा रुपया पैसा और धन दौलत लूट कर भाग गई। अब मैं क्या करूँगा, उसे कहाँ ढूंढूंगा? अरे मैंने उस पर भरोसा किया और उसने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। कड़कनाथ सेठ इतने बड़े धोखे से उभर नहीं पाता और कुछ ही दिनों में सदमे से उसकी मौत हो जाती है। इस घटना के कुछ दिनों बाद पासी के जंगल के पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। अरे दोस्तों, क्या आज ये अखबार पढ़ा? अरे ये देखो, आज के अखबार में क्या खबर छपी है, शहर से आए हुए एक करोड़पति कबूतर को गांव की सीधी सादी सी चिड़िया की जरूरत है। ना कोई दहेज ना कोई बंधन, बस सादगी से शादी करके अपने साथ शहर ले जाना चाहते हैं। अरे भाई पूरे जंगल में ये खबर फैला दो, अरे क्या पता हमारे जंगल के किसी पक्षी का भविष्य ही संवर जाए। देखते ही देखते बंटी कबूतर से जंगल की सभी चिड़ियाएं मिलने आने लगती हैं। बंटी कबूतर सभी चिड़ियाओं में से सुंदर सी चिड़िया को पसंद कर लेता है, जिसका नाम टूनी होता है। शादी वाले दिन फेरों के समय बंटी कबूतर सभी पक्षियों से कहता है, पक्षियों आज मैं बहुत ही खुश हूँ, मेरे पास धन दौलत रुपए की कोई कमी नहीं है, मैंने जीवन में बहुत रुपया कमाया है, बस एक सुंदर और सुशील जीवन साथी की जरूरत थी जो कि टूनी से मिलने के बाद पूरी हो गई है। आज से मेरी सारी संपत्ति की आधी मालकिन मेरी पत्नी होगी। वैसे तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन फेरों से पहले मैं चाहता हूँ कि मेरा इकलौता भाई जो अभी अभी शादी में पहुँचा है वो पहले मेरी दुल्हन को देख ले, उसके बाद ही मैं फेरे लूँगा। उसके बाद बंटी कबूतर का भाई कालू आकर दुल्हन बनी टूनी का चेहरा देखता है। अरे मैं तो मर गई। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से भागने लगती है। अरे भाग क्या रही हो मेरी प्यारी दुल्हनिया, और कितने नाम बदलोगी? अब तुम खुद अपनी कहानी सुनाओगी या मैं सुनाऊँ? उसके बाद बंटी कबूतर सभी पक्षियों को टुनटुनी के बारे में बताता है। पक्षियों, ये जो दुल्हन टूनी है इसका नाम कोई टूनी वूनी नहीं है, यह एक लुटेरी दुल्हन है जो अमीर और पैसे वाले पक्षियों को पहले ढूंढती है और फिर उनसे शादी करने का ढोंग रचाती है। उसके बाद शादी की रात को पूरे परिवार को बेहोशी की दवा खिलाकर सारा रुपया और पैसा लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। इस लुटेरी दुल्हन ने मेरे बचपन के दोस्त कालू कौए को भी ऐसे ही फंसाया था, जिसके कारण उसके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बस तभी से मैंने
इस लुटेरी दुल्हन को पकड़ने का निश्चय किया और अखबार में एक विज्ञापन निकाला। मैं जानता था कि ये जरूर मुझसे शादी करने के लिए आएगी। बस इस तरह मैंने योजना बनाई और इस लुटेरी दुल्हन को सबके सामने ले आया। बंटी कबूतर की बात सुनकर सभी पक्षी उस लुटेरी दुल्हन को पुलिस के हवाले कर देते हैं। बाद में कालू को उसके घर से अपना लूटा हुआ रुपया और जेवर भी वापस मिल जाता है। फिर वो अपने दोस्त बंटी कबूतर के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।